मशहूर नृत्यांगना चंद्रलेखा की यह प्रयोगात्मक प्रस्तुति रागा, इसकी परिकल्पना अर्धनारीश्वर की मिथकीय अवधारणा पर आधारित है। इस नृत्य के माध्यम से पुरुष में स्त्रीत्व की खोज का प्रयास किया गया है, परंतु चंद्रलेखा मानती हैं कि यह प्रस्तुति भरतनाट्यम और अन्य नृत्य शैलियों की साझी अभिव्यक्ति है। भरतनाट्यम के साथ दूसरे कौन से फिजिकल ट्रेडिशंस उसके साथ जुड़ा हुआ है वो लेके मैं काम कर रही हूँ, और उसको ज़्यादा जैसे हम लोग ध्रुपद में सुर को लेके कैसे उसको स्ट्रेच करते हैं, इलेबरेशन करते हैं, ऐसा भरतनाट्यम का इलेबरेशन का काम कर रही हूँ मैं। उसमें योगा, कलरी पाइटू, मार्शल आर्ट्स का संबंध है। चंद्रलेखा की इस प्रस्तुति में एक ही व्यक्ति में पुरुष और स्त्री दोनों के भावों के बीच संघर्ष को अनोखे अंदाज में दिखाया गया है, लेकिन क्या इस नृत्य में इरोटिका का भाव भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करने लायक है? हमारे देश में तो एक्सेप्टेंस की बहुत ही एकदम ओपन सोसाइटी है। आप स्कल्पचर देखे, आर्ट देखे, आर्ट कल्चर म्यूजिक डांस सब में ओपननेस है। ऐसा तो क्लोज सोसाइटी नहीं है अपनी सोसाइटी। कल्चरली कॉन्सेप्ट जो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, गॉड एज हाफ वुमन, इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट लाइक गॉड एज अर्धनारीश्वरा, नहीं बोलते अर्धनारीश्वरा। चंद्रलेखा की आकांक्षा अपने प्रयास को लगातार प्रस्तुत करते रहना है और अपने माध्यम से प्रश्न पूछते हुए उत्तर ढूंढना है। मैं प्रश्न पूछती हूँ, बहुत प्रश्न पूछती हूँ। वो प्रश्न का उत्तर की मुझे ज़रूरत नहीं है, उत्तर मिलेगा। जैसा जैसे यात्रा करेंगे ऐसा उत्तर मिलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल यू विल नो। चंद्रलेखा की इस प्रस्तुति में पुरुष में स्त्रीत्व की खोज निश्चित रूप से सराहनीय है। यही कारण है कि इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है।